हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं लर्निंग चैनल, जहां पे मैं आपको सिखाता हूं ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड मोशन ग्राफिक। और जो आज का हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेटर का, उसमें हम बात करेंगे रैप टेक्स्ट की, जिसका यूज़ करके हम काफ़ी टेक्स्ट को रिफॉर्म कर सकते हैं, उसकी चेंजेस कर सकते हैं, अलग अलग शेप में टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका यूज़ करके हम कुछ लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग के इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ इलस्ट्रेटर में और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे को ये कहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है इलस्ट्रेटर के अंदर। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, एनवलप डिस्टॉर्ट और यहाँ पे मेक विथ रैप का ऑप्शन मिलेगा। आज हम लोग इस ऑप्शन पे काम करेंगे, कल की जो हमारी वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो इससे उसमें हम बात करेंगे मेक विथ मैश की, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट की। तो आज की वीडियो इस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मेक विथ रैप से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे Netflix, और इसका लोगो काफ़ी हद तक ऐसे ही सिमिलर है, वैसे मैं ये नहीं कह सकता ये सिमिलर है लेकिन काफ़ी हद तक वैसे ही लगता है। तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से बोल्ड, और बोल्ड करने के बाद इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से रेड, थोड़ा ये ब्राइट ये। सिंपली मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाकर के एनवलप डिस्टॉर्ट और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मेक विथ रैप का, जैसे मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, आप किसी भी तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं और हर एक ऑप्शन की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज जैसे मैंने अगर इसको फ्लैग किया है तो मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल है, इसको वर्टिकली या हॉरिजेंटली चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद डिस्टॉर्शन है, जिसको मैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली कम ज़्यादा कर सकता हूँ, जैसे कि ये या फिर ये। ठीक है, तो हम लोग इनका यूज़ करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनका यूज़ करिए, जो भी आपको शेप चाहिए आप यहाँ पर क्लिक करिए और उसके बाद उस शेप की प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसमें जो यूज़ कर रहा हूँ वो है मेरा आर्क लोअर, और इसको यूज़ करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, जैसे मैं कर देता हूँ इसको माइनस 10 कुछ ऐसा, सॉरी माइनस का 10 ये, तो कुछ मुझे ऐसा दिखेगा। और इसको हल्का सा और बढ़ा सकता हूँ, तो मैंने किया माइनस का 12। अगर मैं इसको यहाँ से वर्टिकली करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे हॉरिजेंटली की ज़रूरत है तो मैंने हॉरिजेंटली पे क्लिक किया हुआ है, और यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन है इसका हॉरिजेंटल वर्टिकल इसको कुछ नहीं छेड़ा, ये मेरा सेंटर से ही वर्क करेगा। आप किसी भी टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर सकते हैं, या वर्टिकल या हॉरिजेंटल, और इसके अलावा इन ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। हिट करूँगा ओके, और उसके बाद मेरे पास ये टेक्स्ट ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पर जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा प्रस्पेक्टिव मतलब कि बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको प्रस्पेक्टिव डिस्टॉर्शन पे क्लिक किया और इसके इस कॉर्नर को पकड़ के हल्का सा बड़ा किया और इसको भी यहाँ से बड़ा कर दिया, तो ये कुछ मुझे ऐसा दिखेगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे एक मैं बॉक्स बनाता हूँ ये, और इसको सिलेक्ट करके करता हूँ अरेंज फ्रंट, ताकि टॉप पे दिखे मुझे, और इसको सेट करता हूँ मैं यहाँ पे। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ मूवीज, मैं सिंपली कोई भी फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, और इसको इससे कर देते हैं सेंटर अलाइन, और थोड़ी सी स्पेसिंग इसमें हम खोल देते हैं, और इसको बोल्ड की जगह कर देंगे यहाँ से रेगुलर, साइज करेंगे थोड़ा सा और छोटा, और इसको ऐसे सेंटर में रख देंगे। तो हम लोग कुछ इस टाइप से लोगो भी या फिर अपने टेक्स्ट को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कई बार हम लोग पोस्टर में या फिर सोशल मीडिया पोस्ट बनाने में भी इस टाइप के टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम लोग दूसरा टेक्स्ट कैसे हम लोग बनाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिश, और इसको भी यहाँ पे कर देता हूँ बोल्ड ये, और जो इसकी स्पेसिंग थी इसको मैंने कर दिया कम। ठीक है, सिंपली इसको सेलेक्ट किया, वही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जाकर के डिस्टॉर्ट, एनवलप डिस्टॉर्ट, और यहाँ पे रैप,
और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक फिश का, जिस पे मैंने सिंपली क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं बैंड जो है सॉरी इसका प्लस में लेकर के जाता हूँ तो ये मेरा कुछ ऐसे होगी, हम वर्टिकली कर देता हूँ तो नीचे से ऊपर की साइड होगी, जबकि मुझे ये साइड से चाहिए तो मैंने इसको हॉरिजेंटली रखा है और इसको जितना आपको चाहिए उतना हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखें कि किसी किसी टेक्स्ट में आपकी जो फॉर्म है वो ख़राब होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपली टेक्स्ट को बड़ा कर दें, काफ़ी बड़ा कर दें और उसके बाद में इस ऑप्शन का यूज़ करें, जैसे कि मैंने इसको यूज़ किया। ठीक है, यूज़ करने के बाद में अब आप छोटा करेंगे तो फिर से शेप ख़राब होगी, तो आपको सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है और यहाँ पे कर देना है एक्सपेंड। अब ध्यान रहे कि अगर आपने एक्सपेंड कर दिया तो अब ये आपका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट नहीं रहा, एज अ शेप कन्वर्ट हो गया और आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे मुझे फिश की जगह पे कुछ और लिखना है तो मैं वो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुझे इस नेटफ्लिक्स में कुछ और लिखना है तो मैं डबल क्लिक करके इस पे जाऊंगा या फिर इसको सेलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ये एनवलप सॉरी एडिट एनवलप का, इस पे क्लिक करेंगे तो भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक करके भी मैं इसमें कुछ भी चेंज कर सकता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक बार इसको एक्सपेंड कर दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिया, अगर आपका टेक्स्ट ख़राब होता है तो आप उसको बड़ा करके करें और फिर उसके बड़े में ही एक्सपेंड कर दें और फिर छोटा कर दें। अब मैं यहाँ पे इसकी एक शेप बना लेता हूँ कुछ ऐसे। ये और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से और सॉरी इसको रखते हैं इसके ही जितना, ताकि मेरी पूरी लाइन एक सी लगे। और यहाँ से मैं एंकर पॉइंट टूल लूँगा और इसको सेलेक्ट करके हल्का सा कर्व कर दूँगा यहाँ से। आप अपने अकॉर्डिंग आप पे फ्रीडम है, आप कैसा भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको अब मैं एक बॉक्स और ले लेता हूँ यहाँ पे और इसका कलर कर देता हूँ मैं यहाँ से, आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं सिंपली आपको ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ ये, और इसको रख देता हूँ मैं यहाँ और इसका कलर कर देता हूँ वाइट। ठीक है, इसका कलर मैं यहाँ से ये वाला कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को एक आई भी दिखानी है तो मैंने सिंपली इसी ग्रीन कलर की एक आई यहाँ पे बना दी। इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप कुछ भी इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। देखते हैं अपना थर्ड डिज़ाइन कि हम लोग कैसे बनाते हैं। उसमें लिखता हूँ सिंपली जूम, बड़ा करते हैं और यहाँ पे मेरा बोल्ड है। इसमें मैं टेक्स्ट जो है वो चेंज कर लेता हूँ, इसमें मैं लेता हूँ मॉन्टसेरेट, ये सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पे रख लेते हैं एक अलग जगह पे और इसका कलर कर देता हूँ मैं यहाँ से रेड थोड़ा डार्क ये, और इसका कलर कर देता हूँ मैं यहाँ से वाइट। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, एनवलप और मेक विथ रैप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिश आई का, जो हमने पहले यूज़ किया था वो था फिश और यहाँ पे आपको मिलेगा फिश आई का, आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इसको ऐसे जूम इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको हल्का सा जूम इफेक्ट दे दिया, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अंडू किया मैंने अगेन और यहाँ पर इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ तो ये मेरा कुछ इफेक्ट ऐसे दिखेगा। सिंपली मैंने इसको एक बार सेलेक्ट किया, यहाँ पे अपेरेंस में गया। अगर आपने ये अपेरेंस के बारे में मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको यहाँ कहीं आई बटन पे मिल जाएगा, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, उसमें मैंने पूरा डिटेल्स में बता रखा है कि हम लोग इसका यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे गए इफेक्ट्स में और यहाँ पे मैंने सॉरी यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया हुआ और यहाँ पे इसमें एक स्ट्रोक फिल कर दी। ठीक है, स्ट्रोक को यहाँ पे लेकर के आया नीचे और इस स्ट्रोक का कलर कर दिया मैंने यहाँ से वाइट। सेलेक्ट है स्ट्रोक, यहाँ पे गए डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे बड़ा कर दिया, साइड में कर दिया, मूव कर दिया। इसकी वीडियो मैंने डिटेल्स में बना रखी है,
तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो आप इसका एक बार डिटेल्ड वीडियो देख लें, फिर से मैं कहूँगा। और इसको कुछ ऐसे रख दिया मैंने, और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ मैं कुछ ऐसे, और इसमें कलर कर देता हूँ ब्लैक, और स्ट्रोक कर देता हूँ नन, और सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेकर के यहाँ पे लिख देता हूँ टीवी, और इस टीवी को कर देता हूँ मैं वाइट कलर में। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम डिज़ाइन या लोगो बना सकते हैं। आपने कई देखे होंगे कि हम इस टाइप से भी लोगो बने हुए होते हैं। एक और डिज़ाइन देख लेते हैं, उसके लिए मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से टैन कलर में, ब्लू थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली वेव, और इसको यहाँ पे इससे अलाइन कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ यहाँ से वाइट। वाइट करने के बाद ऑब्जेक्ट और रेफ, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वेव का। ठीक है, तो आप वेव अपने अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये हॉरिजेंटली में इतना इफेक्ट नहीं देता, तो मैंने इसको वर्टिकली किया, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको ये अपने अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। मैंने वर्टिकली किया, अगर मैं यहाँ से कम ज़्यादा करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा, तो मैंने इसको ज़ीरो ही रखा। वर्टिकल में इसको मैंने राउंड कर दिया 13 या फिर थोड़ा सा कम 12 ये। तो इस टाइप से मेरा वेव का इफेक्ट दिखेगा। सिंपल इसको सेलेक्ट किया अपेरेंस, और यहाँ पे जो फिल है मैंने फिल पे क्लिक किया, तो इसका फिल कर देता हूँ मैं यहाँ से वाइट, और इसी फिल को सिलेक्ट करके यहाँ पे डुप्लीकेट किया, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ कुछ ब्लू ऐसा, और सिलेक्ट है मेरा, और ट्रांसफॉर्म, और इसको मैं कुछ ऐसे आगे और कुछ पीछे की साइड ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से सिलेक्ट किया, और यहाँ पे इसको किया डुप्लीकेट। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपको अपेरेंस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ वो वीडियो देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी। ठीक है, और इसको क्या और डार्क मैंने ब्लू, और यहाँ पे इसके ऑप्शन पे गया ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से इसको मैंने आगे की साइड कर दिया ये। तो आप इस टाइप से कुछ भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं इसका यूज़ करके। ठीक है, तो ये हमने चार डिज़ाइन बनाए। आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, या फिर किसी पोस्टर या सोशल मीडिया बैनर के लिए आप अपने टेक्स्ट को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसको देखना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेक विथ मैश की। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी मैश से रिलेटेड, जिसमें हम लोग मैश का यूज़ करके टेक्स्ट को रिफॉर्म करेंगे, अलग अलग डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे, उससे भी हम कुछ लोगो या फिर टेक्स्ट कन्वर्ट करके कुछ शेप डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।